वंदे मातरम। मैं पूरन चंद आर्या अर्धसैनिक.com में पुणे आपका स्वागत करता हूं। अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अर्धसैनिकों के लिए कुछ ना कुछ कल्याणकारी योजनाएं लगातार जारी की जा सकें, उनको हम वो सुविधाएं दे सकें जिनकी उन्हें दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है। अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत स्कूल एडमिशन, ITR, लीगल सर्विस, अर्धसैनिक अमूल पार्लर, अर्धसैनिक कंप्यूटर सेंटर और उसके बाद अर्धसैनिक कैंटीन को भी लॉन्च कर दिया गया है। अर्धसैनिकों का पुनरावास हमारी सरकार के लिए और सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा मार्च 2015 से यह प्रयत्न किए जा रहे हैं कि अर्धसैनिकों के लिए या अर्धसैनिक के परिवारों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इनका और इनके परिवारों का कल्याण हो। इसी कड़ी में इसी वर्ष फरवरी 2018 से अर्धसैनिक कैंटीन को एक रोजगार का अवसर हमने पुनर्वास के अंतर्गत सभी जवानों को दिया और अति हर्ष का विषय है कि अर्धसैनिक कैंटीन रिटेल स्टोर चेन के लिए अभी तक हमें 900 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। और बताते हुए अति हर्ष भी हो रहा है कि अर्धसैनिक कैंटीन के इस पुनरावास कार्यक्रम को, इस रोजगार के माध्यम को हमारे जवानों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। साथ ही बहुत सी क्वायरी, बहुत से डाउट, बहुत सी शंकाएं इस रोजगार के बारे में हम प्रतिदिन हमारे कार्यालय में फोन द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी जवान कई सवाल करते हैं। मैं आज प्रयास कर रहा हूं कि इस अर्धसैनिक कैंटीन से जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दूं आपको। अर्धसैनिक कैंटीन की आवश्यकता क्यों, कैसे और इसके फायदे क्या होंगे? सबसे पहले अर्धसैनिक कैंटीन की सोच कहां से आई? बहुत साधारण सी बात है। नौकरी के दौरान हमने अपने सिविल दोस्तों को अक्सर कैंटीन से खरीदारी करने के लिए अवसर दिया। अपने बिहाफ पे हम अक्सर नागरिकों को, अपने रिश्तेदारों को कैंटीन से सस्ता सामान दिलाने की अक्सर कोशिश करते हैं नौकरी के दौरान। इसी बात से यह आइडिया आया कि क्यों ना अर्धसैनिक कैंटीन आम जनता के लिए भी खोली जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का हर नागरिक कैंटीन से खरीदारी करने में फक्र महसूस करता है, उसे अच्छा भी लगता है, साथ में उसे सस्ता सामान भी मिलता है। अर्धसैनिक कैंटीन की जो नींव है इसी बात पे रखी गई है कि अर्धसैनिक कैंटीन जवानों द्वारा, पैरामिलिट्री के जवानों द्वारा चलाई जाएगी आम जनता के लिए। अब इसमें दो बातें हैं। पहली, अर्धसैनिक कैंटीन देश के हर तहसील में खोली जाएगी। दूसरा, इसमें बहुत ही सस्ते रेट पे सामान दिया जाएगा। तो यह स्पष्ट है कि हर नागरिक हमारे अर्धसैनिक कैंटीन की तरफ आकर्षित होगा। अर्धसैनिक कैंटीन को खोलने के लिए योग्यता, पैरामिलिट्री का कोई भी जवान, रिटायर्ड जवान इस अर्धसैनिक कैंटीन को खोल सकता है। इसके साथ ही हमने सेवारत जवानों के परिवारों के लिए भी यह अवसर खोला है ताकि किसी का बेटा या बेटी या परिवार का सदस्य रोजगार की तलाश में है तो वह भी अर्धसैनिक कैंटीन खोलकर इस रोजगार का सुअवसर ले सकता है। अर्धसैनिक कैंटीन के फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा, अर्धसैनिक कैंटीन जवानों द्वारा आम जनता के लिए। दूसरा, कैंटीन के अंदर 100% मतलब 100% जितने भी प्रोडक्ट हम इसमें रख रहे हैं सभी पे डिस्काउंट दिया जाएगा। तीसरा, अर्धसैनिक कैंटीन की टोटल सेल का 1% अर्धसैनिक विधवा सहायता कोष में जाएगा। एक तहसील में एक कैंटीन खोलने का हमने टारगेट रखा है ताकि आपस में कोई कंपटीशन ना रहे। पूरे भारत में लगभग 5,800 तहसील हैं और हमारी 17 लाख की फौज के अंदर 5,800 आवेदन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चूंकि हमें 900 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हम ये आवंटन कर रहे हैं। अभी तक लगभग 50 कैंटीनें हम खोल चुके हैं और अगले 2 महीने के अंदर यह कैंटीनों की संख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी। अर्धसैनिक कैंटीन एक बहुत ही साधारण सा प्रोग्राम है, लेकिन इसके लक्ष्य की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी बड़ा काम हो तो उसमें एकजुट होकर
निरंतर प्रयास करने के बाद एक लंबे समय के बाद ही आपको वह लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हमारे पास अक्सर ये सवाल आ रहा है कि इतना बड़ा टारगेट या इतनी बड़ी कैंटीने या इतनी ज्यादा संख्या में कैंटीने कैसे खोल सकते हैं। बहुत साधारण सी बात है, हमारे समाज में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो किसी दिन स्टार्ट हुई थी और हमें पता भी नहीं था। यहां पर मैं अगर पतंजलि का नाम लूं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही अन्य बड़ी बड़ी कंपनियां भी किसी एक दिन जीरो से शुरू हुई थी, आज वह हिंदुस्तान और पूरे विश्व में अपना नाम कर चुकी हैं। हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि हर तहसील में अर्धसैनिक कैंटीन होनी चाहिए और हमारा हर नागरिक वहां से खरीदारी करे। अर्धसैनिक कैंटीन डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा सिंबल बनने वाला है, क्योंकि इन कैंटीनों में सारी की सारी बिलिंग ऑनलाइन होगी, सारी स्टॉक को रखने की, निकालने की या कम करने की व्यवस्था ऑनलाइन है। आपको कोई भी किसी भी तरह का रजिस्टर या बिल बुक लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्धसैनिक कैंटीन रिटेल चेन हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा व्यवसाय बनेगा और बनने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण है हम अर्धसैनिकों की निष्ठा और हम अर्धसैनिकों द्वारा डिसिप्लिन लाइफ की आदत। अर्धसैनिक कैंटीन को प्रत्येक तहसील में खोलना ये इतना आसान नहीं है, परंतु यह मुश्किल भी नहीं है। इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं, बस आपके सहयोग, विश्वास और इसके साथ ही एक हमें समय की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज हमारे इस प्रोजेक्ट में है धीरज, संतोष। हमें निरंतर प्रयास के साथ, धीरज के साथ इस प्रोजेक्ट पर, इस कार्यक्रम पे काम करना होगा। हमें लगातार इस कार्यक्रम पे जुड़े रहना होगा। हमारे इस कार्यक्रम के दौरान कुछ बातें निकल कर आई हैं जो मैं यहाँ सभी को निवेदन करना चाहूंगा कि अर्धसैनिक कैंटीन अर्थात एक हमारा रोजगार, जीवन भर का रोजगार है हमारे लिए। परंतु ऐसा देखने में आया है कि कई जवान कैंटीन खोल रहे हैं और साथ ही अगले दिन या अगले महीने या एक ही महीने में तुरंत उनकी उम्मीद बन गई है कि उसे बहुत अच्छी सेल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। मैं आप सबको स्पष्ट करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि अर्धसैनिक कैंटीन एक ऐसा व्यवसाय है जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति लाएगा डिजिटल रिटेल मार्केटिंग में। परंतु यदि हम इस प्रोजेक्ट में, इस कार्यक्रम में अधीर हो जाएंगे तो ज्यादा दूर तक हम नहीं चल पाएंगे। हमें लगातार सतत प्रयास के साथ, धीरज और संतोष के साथ इस पे काम करना होगा। मेरा निवेदन है कि आप अर्धसैनिक कैंटीन के लिए कम से कम 6 महीने का समय और अधिक से अधिक 1 वर्ष का समय जरूर लेके चलें, क्योंकि कोई भी व्यापार इतनी जल्दी या कोई भी रोजगार इतनी जल्दी नहीं फैलता है। मॉडर्न ट्रेड के बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं हमारी सोसाइटी में कि वह सालों पहले चालू हुए थे और आज उनका नाम हर बच्चे की जुबान पर है। उसी तरह से हमें पूरी उम्मीद है कि अर्धसैनिक कैंटीन साल 2 साल के अंदर हर बच्चे की जुबान पे होगा और हर नागरिक यहाँ से खरीदारी करना चाहेगा, क्योंकि अर्धसैनिक कैंटीन एकमात्र ऐसी दुकान है, एक ऐसी कैंटीन है जहां पर शॉपिंग के साथ चैरिटी अर्थात अर्धसैनिक विधवाओं के लिए दान भी ऑटोमेटिक 1% चला जाएगा। इस 1% से अर्धसैनिक विधवा परिवारों की लगातार सहायता की जाएगी। स्पष्ट कर दूं कि अर्धसैनिक विधवा सहायता कोष की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि प्रति वर्ष लगभग 3,000 मृत्यु किसी ना किसी कारण से अर्धसैनिक के जवानों की होती है और इसमें लगभग 70-80% नेचुरल डेथ होती है और नेचुरल डेथ के अंदर सरकार द्वारा कोई विशेष प्रायोजन नहीं रखा गया है। इसलिए अर्धसैनिक विधवा सहायता कोष के अंतर्गत प्रत्येक विधवा परिवार को रोजगार या अन्य किसी ना किसी प्रकार की सहायता दे के उसके पारिवारिक स्थितियों को, उसकी जो भी दुष्कर, जो भी परेशानी होगी उसको बाहर निकाला जाएगा और हमारी मदद से, ताकि उसके परिवार में भी हर तरह की कोई कमी ना हो और वह अपना सुचारू रूप से जीवन जी सके। अर्धसैनिक कैंटीन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? जिस स्टेट में ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन आती चली जाएंगी उस स्टेट के अंदर
कैंटीनों को हम एक्टिव करते चले जाएंगे, जैसे अभी हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इन सब में बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी हैं। साथ ही साउथ में भी अब काफी ज्यादा एप्लीकेशन आने लग गई हैं। अर्धसैनिक कैंटीनों में सुचारू रूप से सप्लाई देने के लिए मास्टर कैंटीन की अति आवश्यकता महसूस की गई, इसलिए सबसे पहली मास्टर स्टोर कैंटीन रेवाड़ी हरियाणा में ओपन की गई है और यहां से राजस्थान और हरियाणा को लगातार सप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही जब तक उत्तर प्रदेश में मास्टर स्टोर कैंटीन नहीं बनता, तब तक उत्तर प्रदेश को भी यहां से सप्लाई दी जाएगी। इसके साथ ही पुणे में भी एक अर्धसैनिक मास्टर स्टोर कैंटीन स्थापित किया गया है और इसके द्वारा साउथ इंडिया और महाराष्ट्र को अभी शुरुआती दौर में सप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। परंतु सही और सुचारू रूप से इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमारे कमेटी द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि पहले हर स्टेट के अंदर अर्धसैनिक कैंटीनों को पंजीकृत किया जाए और उसके बाद एक मास्टर स्टोर कैंटीन बनाई जाए और उसके तत्पश्चात जवान को कैंटीन खोलने का निर्देश दिया जाए। इससे क्या होगा कि हमारी सप्लाई पहले दिन से ही सभी कैंटीनों में निरंतर लगातार बनना शुरू हो जाएगी। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताना चाहूंगा, बहुत से जवान हमारे कार्यालय से बिना पूछे, बिना किसी अनुमति के दुकान किराए पे ले लेते हैं और आकर हमें बताते हैं कि सर मैंने दुकान किराए पे ले ली है और मुझे तुरंत सप्लाई दी जाए। मेरा आपसे अनुरोध है, बिना हमारे कार्यालय की अनुमति के, बिना निर्देश के आप कोई भी दुकान किराए पे ना लें, पहले पंजीकरण करें, एग्रीमेंट कराएं और फिर अपनी बारी का इंतजार करें, तभी यह संभव होगा। पूरे देश में अर्धसैनिक कैंटीनों को खोलना इतना आसान नहीं है, परंतु इतना मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए हमें आपका निरंतर सहयोग और विश्वास की आवश्यकता है। अर्धसैनिक कैंटीन को खोलने के पश्चात हमारे कई अन्य भी रोजगार इसके साथ जुड़ गए हैं, जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अर्धसैनिक कैंटीन का मास्टर स्टोर, ये भी हम किसी ना किसी जवान को देने के इच्छुक हैं। जो भी जवान मास्टर स्टोर खोलना चाहेगा वो हमसे अप्रोच करे, हम उसे मास्टर स्टोर खुलवा देंगे। मास्टर स्टोर कैंटीन का कार्य क्या होगा, हम उसके साथ 50 कैंटीनों को अटैच करेंगे और मास्टर स्टोर कैंटीन की जिम्मेवारी होगी कि उन 50 कैंटीनों में लगातार समय से सप्लाई दे। इस मास्टर स्टोर कैंटीन को खोलने के लिए गाइडेंस, टेक्नोलॉजी और पूरा का पूरा हमारा सहयोग हमेशा बना रहेगा। उसे इस मास्टर स्टोर कैंटीन में जुड़ने के लिए एक तरह से वह हमारा इन्वेस्टर होगा और बाकी सारे कार्य, सारी की सारी ऑपरेशनल गाइडेंस हमारे द्वारा दी जाएगी। इसी प्रकार एक अन्य रोजगार भी इस अर्धसैनिक कैंटीन से हमने जोड़ दिया है, अर्धसैनिक ग्रोसरी प्लांट। प्रत्येक स्टेट में हम एक दालों को पैक करने का प्लांट लगाना चाह रहे हैं। जो भी जवान इच्छुक हो वह हमसे संपर्क कर सकता है। इस दालों के पैकिंग प्लांट को लगाने के लिए टेक्नोलॉजी, गाइडेंस सब हम देंगे। जवान का कार्य सिर्फ इतना होगा कि वह इस प्लांट के अंदर आने वाली सभी दालों को पैक करेगा, तैयार करेगा और नजदीक के मास्टर स्टोर कैंटीन में पहुंचाएगा और मास्टर स्टोर कैंटीन से ये सारी दालें कैंटीनों में चली जाएंगी। और इसका असर ये होगा हमारे इस कार्यक्रम में कि हम मार्केट में सबसे ज्यादा सस्ती दालें देने की स्थिति में आ जाएंगे। इसी तरह से सभी मास्टर स्टोर कैंटीनों को सप्लाई के लिए गाड़ियों की आवश्यकता होगी, तो हम यह भी अनुरोध करना चाहते हैं कि कोई भी जवान अपना ट्रक इन मास्टर स्टोर कैंटीनों के साथ अटैच करके रोजमर्रा की इनकम कमाना चाहता है तो वह भी हमसे संपर्क कर सकता है। प्रत्येक मास्टर स्टोर कैंटीन में कम से कम 3 ट्रकों की आवश्यकता है। अगर कोई भी जवान अपना एक ट्रक यहां लगाता है तो उसे डेली का रूट मिलेगा, डेली की उसे धुलाई मिलेगी और इसके कारण उसको भी प्रतिदिन इनकम का एक जरिया मिल जाएगा। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अर्धसैनिक कैंटीन के अंतर्गत कई प्रकार के रोजगार निकल के आ रहे हैं और मैं ये महसूस कर रहा हूं और शायद आप भी हमसे सहमत करेंगे कि आने वाले समय में अर्धसैनिक कैंटीन के अंतर्गत हजारों जवानों को, हजारों अर्धसैनिक के परिवारों को रोजगार मिलेगा
और हमारी जो स्थिति है मार्केट के अंदर बहुत अच्छी और मजबूत हो जाएगी। और हमें यह भी विश्वास है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक रोजमर्रा की जो भी अपनी ग्रोसरी आइटम है, घर की खरीदारी है, वह खरीदारी हमारे अर्धसैनिक कैंटीन से खरीदने को प्रेफर करेगा, क्योंकि यह जवानों से जुड़ी हुई संस्था है और जवानों से जुड़ा हुआ रोजगार है, जिसमें जवान को फायदा होगा, आम आदमी को फायदा होगा, अर्धसैनिक विधवा परिवार की मदद की जा सकेगी, और साथ से सबसे बड़ी बात, जो भी सामान आएगा डायरेक्ट कंपनियों से इन कैंटीनों में आएगा, बिल्कुल ओरिजिनल सामान की गारंटी होगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को सभी जवानों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं, और जो जवान बिल्कुल धीरज और संतोष के साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ना चाहता है, वह अपना आवेदन अर्धसैनिक कैंटीन कार्यालय में दे सकता है, वह हमारे कार्यालय में कॉल करके भी इसकी पूरी जानकारी ले सकता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी हद तक जानकारी मिल गई होगी कि अर्धसैनिक कैंटीन का उद्देश्य क्या है और अर्धसैनिक कैंटीन को हम किस स्तर पर लेके जाना चाहते हैं, ताकि हमारा, हमारे जवानों का, हमारे अर्धसैनिक परिवारों का कल्याण हो। अंत में मैं एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया अर्धसैनिक कैंटीन से जुड़ने के बाद या जुड़ने के लिए जब भी आप सोचें, तो एक संतोष और धीरज का परिचय दें, और इसके साथ ही हमारे इस प्रोजेक्ट में, कार्यक्रम में पूरा भरोसा रखें, लेकिन एक समय अवधि भी लेकर चलें, ताकि इस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे हम उस स्तर तक ले जा सकें जिससे हमारे अर्ध सैनिकों के कल्याण की जो सबसे बड़ी सोच है उसे हम पूरा कर सकें। आओ मिलकर आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।